합니다. 슈가는 오늘 오후 서울 용산경찰서에서 도로교통법 위반 तो अगर आप भी दुनिया के सबसे बड़े K-pop idols BTS के चाहने वाले हो तो शायद ही आपने इस तरह का टाइम कभी देखा हो कि BTS members के ऊपर एक के बाद एक मुसीबत आ रही है और शुगा की ज़िंदगी से तो ये मुसीबत जाने का नाम ही नहीं ले रही। अभी दो दिन पहले ही फैंस ने एक बहुत बड़ा मौका सेलिब्रेट किया था जब ये खबर आई थी कि फाइनली शुगा का DUI केस पुलिस ऑलमोस्ट बंद कर सकती है, शुगा पर ज़्यादा से ज़्यादा फाइन लगाया जाएगा और वो फाइनली इस केस से बाहर आ जाएंगे। लेकिन आर्मी, अब आपके इन सारे अरमानों पर पानी फिर चुका है क्योंकि शुगा के इसी केस को लेकर कोरिया से एक बहुत बड़ी और शॉकिंग अपडेट आप लोगों के लिए आ रही है जिसे सुनकर एक बार फिर से आप रो पड़ोगे। जी हाँ आर्मी, यानी कि शुगा का ये पुलिस केस अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है बल्कि खत्म होने की जगह ये केस और बढ़ चुका है और अब आई नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शुगा को कुछ ही दिन में कोर्ट में भी हाजिर होना पड़ेगा और ये केस बढ़ता ही जा रहा है। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि केस तो बहुत छोटा सा है, सिर्फ शुगा ने ड्रिंक कर स्कूटर चलाया था, लेकिन फिर भी कोरियन मीडिया इस केस को इतना ज़्यादा आगे बढ़ा रहा है जो किसी ने सोचा नहीं था। काफ़ी सारी नई कोरियन रिपोर्ट्स की माने तो योंगसान पुलिस स्टेशन जहां पर शुगा के इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जहां शुगा हाजिर भी हुए थे, अब वहां से शुगा के इस केस को कोर्ट के लिए यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भेज दिया गया है जहां शुगा का ये केस अब कोर्ट में चलेगा और शुगा को बाकी क्रिमिनल्स की तरह ही कोर्ट में जाना पड़ा करेगा, उनकी हियरिंग कोर्ट में हुआ करेगी, जो बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल है क्योंकि ये केस इतना बड़ा नहीं था जितना कोरियन मीडिया और लोगों ने शुगा को हेट कर बना दिया। पूरी दुनिया मान रही है कि शुगा ने गलती की है, लेकिन गलती की सज़ा इतनी बड़ी मिलेगी किसी ने नहीं सोचा था। शुगा खुद भी कई बार इसे लेकर माफ़ी मांग चुके हैं मीडिया के सामने, व्यूअर्स पर, फैन से, सबसे उन्होंने माफ़ी मांगी है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में ये मुसीबत कम नहीं हो रही और अब पूरी तरह फैंस शुगा के सपोर्ट में आ गए हैं। पर देखने ये है कि कोर्ट की हियरिंग कब है, कब शुगा कोर्ट में पहुंचेंगे और कोर्ट शुगा के इस केस पर क्या फैसला सुनाएगा। लेकिन तब तक आप लोगों को इसे लेकर क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना।